थाना सिकंदरा क्षेत्र के अरतौनी गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवारजनों में कोहराम मच गया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति रात्रि 12 बजे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। गांव में हंगामे की सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को नियंत्रण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। भीड़ हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। साथ ही आरोपी पति धर्मेंद्र मौके से फरार है। थाना पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। मृतका की मां और मकान मालिक ने मृतका किरण के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हेलो, अम्मा क्या नाम है आपका? रेशमा मेरा नाम। कौन थी जो खत्म हो गई? कौन थी वो? मेरी लड़की। क्या घटना हुई थी? मुझे नहीं पता है सर, मेरे यहाँ से नहीं आई है, 3-4 दिन आ गई आई मेरे घर से। किसी पे आपको शक है? मुझे शक है ना गली के रे भाई। मकान वाले ने मुझसे कहा कि तुम्हारी लड़की यहाँ नहीं आई है कल से। अब इसका घर में लाश कहाँ से आई मेरी लड़की की, ये बताइए। लाश को कितने दिन हो गए थे घर में? पता नहीं है मुझे सर, मैं तो कल की मेरे यहाँ परसों की आई है मेरे घर से तो लड़की। मुझे नहीं पता है जिन्हें कम मार के रखी है मेरी लड़की। तो आपको सूचना कैसे मिली थी? मैं तो माते दीवानी थे आई हूँ, मुझे रोड पे माल मालिक पड़ी है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई थी? आप कौन हो लड़की की? तो सूचना आपको मिली थी पहले? सूचना आपको मिली थी? तो आप कितने घंटों बाद आ गई थी यहाँ पर? क्या घटना हुई थी? ये रात को करीब 12 बजे उस लड़की ने मुझे, उसका धर्मेंद्र नाम है, उसने मुझे आवाज़ दी बाहर ऊपर छक्के से जाल में से कि बहन जी गेट खोलना, और वहाँ पे मेरे घर पे लड़ाई हो गई है, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं लॉक करके सोती हूँ पूरे घर को। तो मैंने ऊपर जाके जीने का ताला खोला तो वो लड़का नीचे आ गया, तो कहने लगा मैं भी आ रहा हूँ, बस उन्हें समझा बुझा के। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा जल्दी आना या फ़ोन कर देना मुझे, बस रात का इतना था। और फिर सुबह जब लेट तक वो उठी नहीं लड़की, मैंने कहा लड़का तो अकेला गया, ये अभी तक क्यों नहीं उठी? तो पानी वानी के लिए वो जल्दी उठी थी, तो मैंने उसे बोला कि किरण पानी भर ले, नीचे से आवाज़ें लगाई, उसने सुना नहीं। फिर मैं ऊपर गई, ऊपर जाके देखा बाहर से कुंडी लगी हुई थी, मैंने कहा शायद ये कुंडी लगा के चला गया होगा रात की वजह से। तो मैंने कुंडी खोल के मैंने उसे आवाज़ दी किरण, तो उसने कोई आवाज़ नहीं दी। मैंने उसे हल्का सा टच किया तो वो कुछ भी नहीं बोली। फिर मैं अपने प्लॉट पे गई, अपने घर वालों को बुला। तो मतलब जैसे कि अंदर से कुंडी बनती है कि ताला लगा हुआ था? क्या था? अंदर से कुंडी नहीं लगी थी और बाहर से कुंडी लगी हुई थी। बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तो आपको कैसे पता चली थी? मैं सुबह ये काम करने वाले हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं ये लोग, तो आज कोई भी आहट नहीं हुई, कैसी भी आवाज़ नहीं आई। तो मैंने कहा अभी तक नहीं जगी, मैंने कहा लगता है छुट्टी होगी इसकी। तो मैं करीब 11 बजे ऊपर गई, मैंने कहा किरण पानी वानी भर ले, समर चला रही हूँ। तो कोई आवाज़ नहीं आई मुझे, तब मैंने ऊपर जाके देखा तो कुंडी लगी हुई थी बाहर से, फिर मैंने कुंडी खोल के। मतलब इनको आए हुए किराए पे कितने दिन हो गए? 2-3 दिन हो गए हैं मुश्किल से। ऐसा कोई कारण पता चला यार? कोई कारण नहीं है, ना तो इनमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत खुद खराब थी, मैं नीचे पड़ी हुई थी, मुझे उल्टी उल्टी हो रही थी। कितनी उम्र होगी उसकी? लड़की की? लड़की की तो मुझे कंफर्म नहीं है, उसके घर वाले। क्या नाम था उनका? किरण। ठीक।